अगर जो आंदोलन साफ सुथरा हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। जो सरकार कर रही है आज के समय में अच्छा काम कर रही है। किसानों की मांग जायज है, लेकिन ऐसा नहीं जायज है जैसे जायज करते हैं, मारपीट करते हैं। आंदोलन करो, आंदोलन करना चाहिए। तो पब्लिक परेशान इतना है, किसी को रास्ता नहीं आने की जाने की। गवर्नमेंट को भी इस पे कुछ निर्णय लेना चाहिए, फैसला होना चाहिए इस चीज का। किसान बैठा हुआ हुआ सही बैठा हुआ, और सरकार ये जो कह रही है कि ये इसको भड़का रहा है, भूख लगा है हमें और भड़काइएगा आप, कि मेरा दर्द है तो मैं ही समझूंगा कि ये सरकार समझेगी। जय जवान जय किसान, यह नारा 1965 के हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध के पहले उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लेकिन आज देश की स्थिति कुछ अलग है। आज हमारे जवान किसानों पर लाठियां डंडे बरसा रहे हैं। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 2 महीनों से ज़्यादा दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों का यह मांग है कि भारत सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन भारत सरकार इन कानूनों को वापस लेने के मूड में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। इसी बीच हम आ पहुँचे हैं पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर के शंकर पार्क में। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के लोकल के लोग इस किसान आंदोलन के बारे में क्या राय रखते हैं। अनवार आलम नाम है, अभी सागरपुर में, हाल ही हम 28 तारीख को आए हैं। आंदोलन साफ सुथरा हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। अब उस आंदोलन में कुछ आदमी भड़काऊ हैं, कुछ आ रहे हैं, ये सब गलत हो रहा है। किसान का जो काम है, किसान जो मांग कर रही है वो सरकार से कर रही है। ये हमसे और पब्लिक से या किसी तरह के कोई पार्टी से नहीं कर रही है, सरकार से कर रही है। जो सरकार कर रही है आज के समय में अच्छा काम कर रही है, किसान के हित में काम करे। अगर किसान को मंजूर नहीं है तो जो अभी 26 जनवरी को इन्होंने प्रदर्शन किया था, ये देश के और सरकार के हित में गलत काम किया था। इसलिए उनको शांतिपूर्ण से अपना धरना देना है, आंदोलन करना है, करो, लेकिन कानून को दायरे में रह कर करो, कानून को मत तोड़ो। किसान आंदोलन की वजह से तो किसानों का मांग वैसे तो भी जायज भी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ इतने नुकसान हो रहे हैं कि सभी पार्टी पब्लिक परेशान है, दुनिया भर के लोगों की रोजी रोटी का भी लालच पर रहे हैं, सारे भूखमरी के करार पे आ जाएगा ऐसी हालात रही तो। किसानों की मांग जायज है, लेकिन ऐसा नहीं जायज है जैसे जायज करते हैं, मारपीट करते हैं। आंदोलन करो, आंदोलन करना चाहिए। इन्होंने मारपीट करने 26 जनवरी पे, इतना लाल किला पे हंगामा करने से इनका आंदोलन कमज़ोर हुआ है। यह किसान बैठा हुआ हुआ सही बैठा हुआ है, और सरकार ये जो कह रही है कि ये इसको भड़का रहा है, भूख लगा है हमें और भड़काइएगा आप, कि मेरा दर्द है तो मैं ही समझूंगा कि ये सरकार समझेगी। 26 जनवरी का जो अभी हादसा हुआ, जो झंडा वंडा, हाँ हाँ, आपको क्या लगता है कौन किया है या कौन करवाया? ये गलत किया है, कोई भी करे वो गलत है, लेकिन ये मैं सरकार का ही राजनीतिक है हमारे समझ से। इसमें इसलिए कि आम दिन भी लगभग 84 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, उस एरिया से कभी 15 अगस्त को 26 जनवरी को तो जाना मुश्किल हो जाता है, और प्रशासन इतना टाइट रहती है उस दिन वहाँ की किसी को नहीं, लेकिन इतना वो घुस गया कैसे? वो घुसने का भी तो मीटर ले कि यहाँ पुलिस वाला वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, लेकिन इतना तादाद में घुसा कैसे?